हे गाइस, वेलकम ऑन माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे हैं, परसेंटेज का ये पार्ट फोर्थ है। तीन पार्ट हमने इससे पहले पढ़े हैं और आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और हो सकता है ये सेशन आपके लिए लास्ट सेशन हो, उसके बाद एक डाउट सेशन हम रखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने परसेंटेज सोल्व नहीं किया है तो आप जो भी बुक से प्रेफर कर रहे हैं उससे आप परसेंटेज को सोल्व कीजिए, ओब्वियसली आपका परसेंटेज लगभग हो गया है। ओके, तो जो डाउटफुल क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं उनको क्या कीजिए कि आप मुझे इंस्टाग्राम जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप फॉलो नहीं करते तो वहाँ पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए। उन क्वेश्चंस को मैं क्या करूँगा कि अगला जो वीडियो होगा उसमें जो भी कैंडिडेट जितने भी क्वेश्चंस भेजेंगे, 10-20 क्वेश्चन अगर हो जाते हैं तो उन सभी को हम क्या करेंगे कि अगले वीडियो में उन सभी को डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो वो सब तो हम कर ही लेंगे। तो इसी के साथ में आप वीडियोज को अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं जो मैंने आपको दिया था और कुछ लोगों ने इसका आंसर भी दिया। देखिए, आप एक्टिव होके पढ़िए, जो मैं बोल रहा हूँ जैसे जैसे करिए। इससे क्या होता है, मुझे पता चलता रहता है कि कौन कितना एक्टिव है, क्या पढ़ रहे हैं आप, या फिर आप मतलब सिर्फ वीडियो को एक बार देखा 2 मिनट के लिए, उसके बाद देख ही नहीं रहे। तो मैं इतना बड़ा वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ ना कुछ आपको पूरा देखना ही पड़ेगा। आई नो ये परसेंटेज जो टॉपिक होता है, बहुत से टीचर जो होते हैं वो स्टार्टिंग में इसी से करते हैं और आपको लग रहा है कि ये टॉपिक मेरा पढ़ा हुआ है। तो आप ज़्यादा कुछ मत कीजिए, जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसको पहले आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए मेरे समझाने से पहले। उसके बाद अगर आपका आंसर आ जाता है इट्स ओके। अब फिर उसके बाद जो मैं सोल्यूशन का तरीका बता रहा हूँ उससे कंपेयर कीजिए कि अगर आपका तरीका उससे भी बेस्ट है तो आप मुझे ज़रूर बताइए इंस्टाग्राम पे। उसके अलावा अगर आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हम कर सकते थे तो आप इस वीडियो को देखिए फिर। ओके, तो देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि एज सैलरी यानी कि एक की जो सैलरी है वो 10% से इंक्रीज हो जाती है एंड देन डिक्रीज बाय 10% द चेंज इन सैलरी इज। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पिछली बार क्वेश्चन मैंने दिया था वो काफ़ी डिफिकल्ट था, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें क्या हुआ कि ए था, एक कोई व्यक्ति था, उसकी सैलरी पहले 10% से घटा दी गई। देखिए हमें सैलरी की जरूरत नहीं है कि कितनी सैलरी थी, इट्स ओके जो भी थी, बस हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए, जो आंसर यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज की जरूरत है, परसेंटेज यानी कि 10%। 10% का मैं हमेशा कहता हूँ फ्रैक्शन याद रखना, 1/10 होता है। और जो नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी, कोई भी आप जो भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले तो इनिशियल वैल्यू। तो हम क्या करेंगे कि इसको अमाउंट मानेंगे। मान लीजिए कि उसकी जो पहले सैलरी थी वो 10 रुपये थी और जो परिवर्तन होगा बढ़ेगा घटेगा वो ऊपर वाली जो वैल्यू है, यहाँ पे 2, 4 कितना भी आ जाए, जैसे यहाँ पे 1 है और पहले क्या हुआ कि उसकी सैलरी बढ़ी तो ये प्लस होगा। तो पहले इनिशियली उसकी सैलरी 10 थी और फाइनल में उसकी सैलरी होगी 11। आगे एक और बात क्या हुई कि उसकी सैलरी पहले तो बढ़ गई लेकिन उसके बाद में उस सैलरी को 10% घटा भी दिया, फ्रैक्शन यही रहेगा, जो सैलरी थी इनिशियली वो सेम रहेगी लेकिन अब इस बार प्लस की जगह माइनस यानी कि 10 के यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये 100 होगा और ये हो जाएगा 99। मतलब पहले आपने बढ़ाया फिर घटाया, इसका मतलब आपको देखिए यहाँ पे 100 से 99 ही आपकी सैलरी हुई है। तो यहाँ पे इसकी जो सैलरी है वो 1 से घट गई है, कितने पे, 100 पे, और इंटू आप 100 करेंगे तो यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा और 1 आपके पास आ जाएगा, 1%। अब 1% इंक्रीज भी है डिक्रीज भी है, तो इनको थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो ये यहाँ पे डिक्रीज हुआ है तो यह आपके पास आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, सो इसमें कुछ भी डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं था, आप इसका आसानी से आंसर दे सकते थे। हाँ, कुछ स्टूडेंट ने आंसर दिया और वो बिल्कुल सही था। तो जो भी सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, देखिए आप चिंता मत कीजिए, बहुत से कुछ कमेंट ऐसे भी आते हैं सर सिलेबस पूरा करवाओगे कि नहीं। पहली बात तो मैथ का सिलेबस मैं 2 बार करवा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट देखिए, पहले 2 बार जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें मैं करवा चुका हूँ, उसके अलावा मैं फिर से करवा रहा हूँ और इसमें कुछ नए क्वेश्चन ले रहा हूँ, वही क्वेश्चन मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एक आध क्वेश्चन हो सकता है जो सेम हो जाए, उसकी कोई मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन हाँ क्वेश्चन सारे के सारे नए हैं। उसके अलावा करने के कुछ ऐसे तरीके मैं आपको बताता हूँ जो आप कोचिंग्स में सीखते हैं बेसिकली, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अच्छे खासे पेमेंट आपसे लेते हैं इसके लिए, तो इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। सो गाइज, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आप सिर्फ देखिए मत, पेन कॉपी साथ में रखिए, इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं तो करवा दूंगा, आप देख भी लेंगे, अब आपको समझ में आया या इसका यूज आपने अपने क्वेश्चन या एग्जाम में लिया या नहीं वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, आप भी करिएगा। सो गाइज, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यहाँ पे देखिए कि भुवनेश स्पेंड्स 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड एंड डोनेट 3% इन चैरिटेबल ट्रस्ट। ही स्पेंड 2,310 ऑन दीज टू आइटम्स, द टोटल सैलरी ऑफ द मंथ इज। देखिए उसने क्या किया कि कोई भुवनेश है
ये 30% सैलरी जो है अपनी खाने पे वेस्ट कर देता है और उसके बाद 3% वो चैरिटी कर देता है, यानी कि टोटल कितना होगा 33%। और इस 33% की हमें वैल्यू क्या दी है, 2310। ओके, अब ये कहता है कि उसकी सैलरी जो है वो कितनी है मासिक। तो देखिए, उस सैलरी का 33% भाग इतना है तो 100% होगी, तो जो टोटल सैलरी होगी वो कितनी होगी, 100%। मतलब 33% की वैल्यू हमें दे दी, अब हमें 100% की चाहिए, तो आसानी से निकाल लेंगे। 1% की निकालने के लिए हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 33 से, ताकि हमारे पास 1% आ जाए। अब इसे देखिए, 33 से एक साथ मत काटिए, कोई दिक्कत नहीं, 11 से काट के देख लीजिए। अब देखिए, नीचे वाली संख्या आपको पता चल गया कि 11 से कटेगी, तो ऊपर वाली संख्या भी 11 से कटेगी। ये जो है एग्जामिनर डाटा सेट करके देता है, नहीं तो इसकी जगह 2311 भी दे देता, फिर वो क्या होता, आंसर आपका आसानी से नहीं आता, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। लेकिन इसको जैसे 11 से काटेंगे तो ये 3 बार जाएगा, अब इसे काटेंगे तो 2 बार, फिर 1 बार, फिर इसको 3 से काटेंगे तो ये 7 बार, यानी कि 70 आपके पास आ गया। मतलब 1% की जो वैल्यू है वो 70 है। ओके, अब हमें 100% की चाहिए, तो 100% को, 1% को 100% बनाने के लिए हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 70 में भी 100 मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से आपका जो आंसर हो जाएगा 7000, यानी कि 7000। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखिए परसेंटेज है, इसमें जैसा जैसा बोला आप वैसा वैसा कीजिए। अब इसमें देखिए कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी गाइस काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें जो है डाटा थोड़ा सा लेंदी दिया है। क्वेश्चन आसान है लेकिन डाटा लेंदी है, तो सॉल्यूशन में आपको थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। अब देखिए इसको आप कैसे करेंगे, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 311,250, द रेशियो ऑफ वुमेन एंड मैन इज 43:40, इफ देर इज आर 24 इलिटरेट अमोंग वुमेन एंड 10% इलिटरेट अमोंग मैन, द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन इन द टाउन इज। देखिए इलिटरेट बोला है और लिटरेट पूछा है। ओके, तो ये एक शहर है, इसकी जो जनसंख्या आपको दी है 311,250। देखिए 311,250 जो टोटल हैं, इनमें जो है सबसे पहले हम निकालते हैं महिला, देखिए महिला तथा पुरुष, तो इसी प्रकार रेशियो मिलेगा, पहले आपको मिलेगा वुमेन का फिर मैन का। तो मैन का अगर मैं बात करूँ कि 311,250 में वुमेन कितनी है, तो इसको मैं क्या करूँगा कि वुमेन का रेशियो कितना है 43, और टोटल रेशियो कितना है 40+43, यानी कि 83। तो इतने वुमेन हैं इस, इन वुमेन तो इतनी है, लेकिन इनमें क्या बोलता है कि यदि महिलाएं 24% शिक्षित हैं, ठीक है ना, यहाँ पे 24% शिक्षित हैं, तो इसमें मैं इसका भी 24% निकालूंगा, तब जाके मुझे पता चलेगा कि इतनी महिलाएं जो हैं वो यहाँ पे कितनी हैं, शिक्षित हैं। प्लस अब इतनी ही महिलाएं हैं तो 311,250 इसमें वुमेन भी होंगे, सॉरी मैन भी होंगे, तो मैन का रेशियो कितना है 40, और टोटल कितना है 83। प्लस उसके बाद देखिए इसमें क्या बोला कि पुरुषों में 10% निरक्षर है, मतलब 10% अनपढ़ लोग हैं, तो पढ़ने वाले कितने होंगे 90%। तो हमें ये सोचना है, 10% को यूज नहीं करना है कि 10% निकाले फिर उसके बाद 90% कन्वर्ट करें, उतना टाइम नहीं होता आपके पास। तो डायरेक्टली सोचिए कि हमें तो देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो डायरेक्ट बोला था कि 24% शिक्षित हैं, तो हमने 24% डायरेक्ट लिख लिया, लेकिन यहाँ पे 10% ना लिख के हम 90% लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। ओके, उसके बाद देखिए इस कैलकुलेशन को आपको ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्टली आप यहीं पे सोल्व करें, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन ले लीजिए। क्या क्या कॉमन आएगा, 311,250 ये कॉमन आ गया, अब नीचे देखिए 8300 पूरा का पूरा कॉमन आ गया। ठीक है, बचा क्या है आपके पास, 43×24+40×90 ये बच गया। अब देखिए इस तरह से आपको इसको सोल्व करने की कोशिश करनी है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1032 और ये आ जाएगा 3600। ठीक है, अब इन दोनों का आप ऐड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 32, और उसके बाद 63, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा, सॉरी इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 32 तो आ गया इन दो जो जीरो के साथ में, फिर 6 आ गया, फिर 3+1=4, तो ये हो जाएगा 4632। ओके, तो अब आपको क्या करना है कि इस इक्वेशन को सोल्व करना है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ फिर उसके बाद दिखाता हूँ। अभी आप नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर उसके बाद में ये जो कैलकुलेशन थी इतनी, इसका जो कंक्लूजन आ गया अब आपके पास 4632 आ गया। ओके, सो अभी क्या करना है कि 311,250, उसके बाद ऐसे तो चाहें तो इस जीरो से जीरो हटा लीजिए, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 830 नीचे बच गया, अब 4632 यहाँ पे बच गया। अब इस कैलकुलेशन को आपको सोल्व कर लेना है, देखिए बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पे, हाँ थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आप इसको खुद से करने की कोशिश करना है, खुद से अगर आप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब इसमें देखिए जो आंसर आपका आना है वो बी ऑप्शन आएगा,
और ये आंसर आपके पास हो जाएगा 1,73,700। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। इसको कैलकुलेशन को आप चाहें तो कैलकुलेटर से सोल्व करके इस ऑप्शन को वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी आपको यही कहूँगा कि कैलकुलेटर यूज ना करें, मैथ में अपना दिमाग यूज करें। जितना आप कैलकुलेशन को खुद से करने की कोशिश करेंगे, मतलब देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी कमांड बनानी है ना, तो कुछ भी संख्या लिखो, कुछ भी मल्टीप्लाई, कुछ भी डिवाइड, डेली 10 या 15 मिनट सिर्फ इतना कर लो, आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगी, क्योंकि आपका माइंड जो है उन पर कमांड बना लेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है। इन एन इलेक्शन देर वर ओनली टू कैंडिडेट्स, वन ऑफ द कैंडिडेट सिक्योर 40% ऑफ वोट्स एंड इज डिफीट बाय द अदर कैंडिडेट बाय 298 वोट्स, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज पोल्ड इन इज। ठीक है, तो कितने वोट पड़े आपसे पूछा है। तो देखिए पहले उम्मीदवार को 40% मिले, अब दूसरे उम्मीदवार को बेसी बात है 60% मिलेंगे। अब क्या बोले कि दूसरे उम्मीदवार से उसे 298 वोट से हार गया है। ठीक है, तो 40 वाला जो है वो दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से, लेकिन ये परसेंटेज में है, तो कितना परसेंट कम वोट वाला है, सिर्फ 20%। अरे 20% की वैल्यू इसने दे दी है कि 298 वोटों से हारा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि टोटल वोट कितने होंगे, वो 100% होंगे। अब 20% की वैल्यू दे दी है, इसको 100% बनाना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास ये आ जाएगा 1490। ठीक है, ये हो जाएगा 100%, 100% की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास में ये आ जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा सी, एक मिनट, हाँ मल्टीप्लाई सही है, तो आंसर ये हो जाएगा 1490। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आपके पास में क्या है कि इन एन असेंबली इलेक्शन ए कैंडिडेट गोट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, 2% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड इफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इज 10,04,000। ठीक है ना, तो ये आपके पास में कितना है, 1,40,000 है। ठीक है, तो 1,40,000, देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इज। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको पूछा है कि एक विधानसभा चुनाव है, उसमें जो है उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिले। अब देखिए पहले आपको मैं बताता हूँ कि इसको कैसे मानना है। आपको 100% मान लीजिए वोट थे, इन 100 में से 2% वोट जो है अवैध घोषित हुए, मतलब वैलिड वोट सिर्फ कितने होंगे, 98% होंगे। अब इस 98% में से ही कैंडिडेट हार जीत का फैसला होगा, तो उसके जो है वैध वोटों का 55% मिले हैं किसको, जीतने वाले को, तो बेसी बात है हारने वाले को 45% मिले होंगे। ठीक है, तो उसमें पूछा है आपको कि 55% वोट मिले, 2% वोट अवैध घोषित कर दिए, मतदाताओं की कुल संख्या जो है 1,40,000 है, तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले। मतलब सीधी सी बात है कि इसको कितने वैध वोट मिले, पहले देखिए 1,40,000, यहाँ पे 100% की वैल्यू ये है, इसका 98%, 98/100, और इसका जो है 55%, तो ये आपको मिलेगा उस उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तब इसको सोल्व करना है आपको, देखिए यहाँ पे 1, 2 और 3, तो 1, 2 और 3 इतना तो काम हो गया, 5 से काट लीजिए, 5 × 2 = 10 और ये 11, उसके बाद 2 से इसे काट लीजिए, ये आ जाएगा 4, 9। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई आपको कर लेना है। देखिए 4, 9 को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 9, 9 और 4 = 13, 3, 4, 1, 5, 593 और 539, उसके बाद में 104, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, ये आप कर लेना। इसको जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 56056। ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा, तो उस उम्मीदवार को इतने वोट मिले थे। ठीक है गाइस, देखिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, और ये जो वोटर होते हैं आपके इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि वोटर जो आपका विजेता होता है वो हमेशा वैलिड वोट का होता है। अगर वैध वोट यहाँ पे आपके पास में है 98%, तो इसका ही आपको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, अब वैसे आपको अगर नहीं देता है कि वो वैध वोट या अवैध वोट की कोई बात ही नहीं करता है, तब तो 100% ही उसमें क्या होंगे, वैध वोट होंगे। लेकिन अगर वो जिक्र करता है कि 2%, 4% जितने भी वोट इनवैलिड हो जाते हैं उनको फिर आपको हटाना होता है, और वो सबसे पहले आप हटाएंगे, दोनों कैंडिडेट के मिला के हटाएंगे, फिर उसके बाद में उनमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट इन एन इलेक्शन, वन गोट 60% ऑफ द वोट्स एंड वोन बाई 1,600 वोट्स,
व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। देखिए दो उम्मीदवार हैं, एक को 60% मिले, दूसरे को 40% मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद बोल रहे हैं कि जो जीतने वाला है 60% वाला जीतेगा, और 60% वाले को कितने वोट मिले हैं, 1600 वोटों से वो जीता है, तो 20% वोटों से जीता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस 20% की वो वैल्यू कितनी है, 1600, तो कुल कितने वोट डाले गए। अब देखिए इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास में 8000, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि टोटल वोट इसमें 100% और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर ये आ जाएगा। 100% की तो वैल्यू निकालनी थी, तो ये आपके पास आंसर हो गया। लेकिन इसमें सोचना, यहाँ पे सीधा मत कर देना कुछ, समय हमेशा ये ध्यान रखना कि जीतने वाले को ज़्यादा वोट मिलेंगे और हारने वाले से कंपेयर करता है, इससे कितने वोट मिलेंगे अधिक, ये भी ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है कि द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिसिएट बाई 5% एवरी ईयर इफ इस परसेंट वैल्यू इज 2 लाख, इस वैल्यू आफ्टर 2 ईयर विल बी, ठीक है, तो ये क्या होगी। एक जो मशीन है आपके पास में, उसकी वैल्यू जो है मूल्य 5% घटता जाता है, तो 2 वर्ष बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, मतलब 20 थी फिर 19 बच गई, फिर 20 थी फिर 19 बच गई, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के लिए, ये सेकंड ईयर के लिए, तो 2 साल बाद में जो वैल्यू है 400, ये 361, मतलब जो वैल्यू थी अभी प्रेजेंट में कितनी है, 2 लाख है, ठीक है, तभी ये 361 बच जाएगी, तो 400 की वैल्यू 2 लाख है, तो 2 जीरो से आप 2 जीरो काट सकते हैं, 4 से आप इसे काटेंगे तो ये 5, मतलब 500, तो 500 से इसे मल्टीप्लाई करना है आपको, क्योंकि आपके पास रिलेशन आया है 500 का, 361 को 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कैसे करेंगे, 2 जीरो तो 0 0 लगा देना, इसके बाद 5 5 31 0, उसके बाद 5 3 15 15 और 3 18, ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, तो उसकी जो वैल्यू 1,80,500 बच जाएगी, तो यही आपके पास में इसका आंसर हो जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। आगे देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए गाइस, नेक्स्ट क्या है कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 64,000 एंड इट्स एनुअल इंक्रीज बाय 10%, द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 3 ईयर विल बी। देखिए शहर है, उसकी जनसंख्या कितनी है, 64,000 है, 10% से जो है वो बढ़ती है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 10% फ्रैक्शन 1/10, 10 से 11, तो 10 से 11 कितनी बार होगी, 3 साल में लगातार बढ़ रही है, मतलब इसका क्यूब कर दीजिए, ठीक है, तो ये तो कितना हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331। अब यहाँ पे इस 1000 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 64,000, 64,000, अब इस 3 जीरो से 3 जीरो हटा दीजिए, मतलब एक की जो वैल्यू है वो 64 आ गई, अब 64 से आप इसे जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बस इतना सा काम आपको यहाँ पे करना है, और जो आंसर आपके पास में आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ये बी ऑप्शन में आपके पास में दिया गया है, 85,184, ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 85,184। वैसे देखा जाए तो आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल सकते हैं ये भी बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 4 है, इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, और वैसे देखें सभी ऑप्शन में तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट आपका 4 है, तो ये भी एक तरीका होता है आप इस कैलकुलेशन से अगर बचना चाहते हैं तो। लेकिन हो सकता है कि कहीं कई बार क्या होता है कि 2 ऑप्शन में भी दे देता, तो 2 ऑप्शन तो कम से कम एलिमिनेट हो गए, उसके बाद दूसरा डिजिट निकाल लीजिए और उन 2 से कंपेयर कर लीजिए। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज डिक्रीज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इफ इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर एज वाज 10,000 द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज। देखिए गांव है, इसकी जनसंख्या 20% से घटती है, 2 वर्ष पहले की जो जनसंख्या थी वो 10,000 थी, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी, सेम वही क्वेश्चन है, 2 वर्ष 10 से क्या हो रही है, यहाँ पे एक मिनट, घट रही है, बढ़ रही है, 20% से घटती है, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, और घटती है तो मतलब 5 से 4, और 5 से 4 कितने साल के लिए होगा, 2 साल के लिए, मतलब स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 और 4 चौक 16, तो 25 की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी है आपके पास में, 10,000, क्योंकि 2 साल पहले थी, ठीक ना, तो 25 से आप इसे काट दीजिए, 400 का रिलेशन आ जाएगा, और ये आपके पास में जो है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 6400, तो यही आपके पास में इसका आंसर है, बी ऑप्शन। देखिए हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आया हो, फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार, कि गांव की जनसंख्या
क्या हो रहा है, 20% से घट रही है। 20% का फ्रैक्शन निकाला 1/5, मतलब 5 तो पहले थी स्टार्टिंग में इनिशियली, फाइनली कितनी हो जाएगी पहले साल के अंदर, वो हो जाएगी 4। फिर दूसरे साल में भी यही सेम प्रोसेस, क्योंकि 20% ही घटना है। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16, सॉरी ठीक है, तो 25, ये 16, इस 25 की वैल्यू उसने बोला कि 2 साल पहले, तो 2 साल पहले कितनी थी, हमारे अकॉर्डिंग 25 है, लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि 25 नहीं है, 10,000 है। तो 10,000 है तो भाई हम इसका रिलेशन निकाले, तो रिलेशन हमने निकाला तो ये कितने का आ गया आपके पास में, 400 का आ गया। 400 से इसका रिलेशन आ गया, तो आप इसको 400 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, फिर आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि ए मैन रिसीव्स 1/4 ऑफ हिज कैपिटल, 3% इंटरेस्ट एंड 2/3 ऑन 5% एंड ऑन द रिमेनिंग 11% द परसेंटेज इंटरेस्ट हैव रिसीव ऑन द होल इज। देखिए एक व्यक्ति है, वो क्या करता है कि उसके पास में कुछ धन है, तो उसका जो है 1/3 भाग, उसके 1/3, देखिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को, 1/4 ऑफ हिज कैपिटल, हाँ 1/4 भाग, 1/4 भाग जो है 3% पे इन्वेस्ट करता है, प्लस उसके बाद में 5% पे कितना इन्वेस्ट कर रहा है, इंटरेस्ट 1/2, ठीक है 2/3, यानी कि 2/3 कितने पे, 5% पे, और रिमेनिंग जो है वो 11% पे। तो प्लस अब इसका जो है रिमेनिंग आपके पास में निकालना है, तो 1/4, देखिए तो 1/4 है ये है, तो 3/4 बचा। अब 3/4 में से 2/3 निकालना है आपको, 3/4 - 2/3, तो ये हो जाएगा 9, 9 - 8 यानी कि 1/12, ठीक है एक बार सॉल्व कर लेते हैं, 9, 8, 12, ठीक है। तो 1/12 बचा, इसको इन्वेस्ट करता है 11% पे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप पूरा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 प्लस ये हो जाएगा 10/3 प्लस ये हो जाएगा 11/12, ठीक है ये टोटल परसेंटेज आ रहा है आपके पास में। तो टोटल अमाउंट के लिए निकालेंगे तो 12 LCM आ जाएगा, फिर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा आपके पास में 11, तो ये हो जाएगा आपके पास में 60 और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5%। तो जो होल अमाउंट पे उसको इंटरेस्ट मिलने वाला है वो है 5%। देखिए यहाँ पे परसेंटेज हमें निकालनी थी, वैल्यू पूछी नहीं थी, तो वो हमें इस टोटल अमाउंट से मिल गया। टोटल अमाउंट हमने मान ली कि वो 1 रुपया ही ओनली इन्वेस्ट करता था, ठीक है, तो उसका जो है 1/4 है, 1/4 हमने इन्वेस्ट कर दिया 3% से, 2/3 इन्वेस्ट कर दिया 5% से, और 1/12% जो अमाउंट है उसने 11% से इन्वेस्ट कर दिया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको 100 मान लीजिए कि 100 रुपये थे, 100 में से 1/4, 1/4 का मतलब 25, 25 रुपये उसने 3% से इन्वेस्ट कर दिए, प्लस उसके बाद में जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना है 75, उसका जो है उसने कितना इन्वेस्ट किया है 5% पे, तो उसका 75 का आप निकालेंगे फिर, तो 75 का आप जब 3% निकालेंगे तो इस तरह से थोड़ा सा दिक्कत आपको हो जाएगा। वही आपको सोल्व कैसे करना है, ऐसे ही करना है। इसमें क्या होगा, जैसे फिर से आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो फिर ज़्यादा अमाउंट आएगा, जैसे 25 से काट लीजिए, 25 × 75 = 25, 100, 9/4, अब देखिए फिर 9/4 का भी फिर आपको 11% निकालना है, तो ये थोड़ा और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इससे अच्छा है कि आपको सीधा ऐसे ही कर लेना है। वैसे देखिए इसमें जो है फ्रैक्शन ज़रूर हुआ है आपके पास 1/4, 2/3, 1/12, लेकिन इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा सोल्व करने का। अब क्वेश्चंस है इसमें, आपको फिर क्या करना पड़ेगा कि इन सभी का एलसीएम, जो 3%, 5%, 11%, इन सभी का एलसीएम वाला जो वैल्यू है उसको आपको अमाउंट मानना पड़ेगा, फिर क्या होगा कि आपको फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन इतना फ्रैक्शन तो आप सोल्व कर सकते हैं, तो आप इसी तरीके से कर लीजिए, बेटर रहेगा आपके लिए। आगे देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके पास में है गाइस कि ए नंबर ऑन सब्सट्रैक्शन 15 फ्रॉम द इट रिड्यूस टू इट्स 80%, व्हाट इज द 40% ऑफ द नंबर। अब देखिए 2 सेकंड का सवाल है, आंसर विल बी 30। क्या बोला है इसने कि एक संख्या है उसमें से 15 घटाया गया, 15 घटाने के बाद में वो संख्या 80% बच गई, मतलब क्या हुआ कि 20% कम हुआ है, और 20% की वैल्यू इसने क्या बताया कि 15 कम किया था, तो 20% की 15, तो उसने 40% पूछा है, तो 40% कितना हो जाएगा इसका, जस्ट डबल 20% का, 30, आंसर विल बी 30। ओके तो देखिए कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि आपको देखते ही समझ में आ जाने चाहिए, नहीं तो आप कॉम्प्लिकेट करना चाहें तो इसको कैसे कर सकते हैं कि
आपको सबसे पहले पता होता है कि यहाँ पे एक संख्या थे, मानता मैं एक्स संख्या है, उसमें से मैंने कुछ 15 घटाया तो वो संख्या घटकर 80, 80 का भी मैं चलो फ्रैक्शन मान लेता हूँ, तो 80 का 4/5 ही बचा। फिर मैं क्या करता, इस 15 को इधर लाता, फिर इसको ऐड करता, तो ये हो जाता 75 × 4 = 79, 79/5, ठीक है, ये एक्स आ जाता। अब क्या बोलता है कि संख्या का 40% निकालता, तो 40% कितना होता है, 20 × 2 = 40, 20 × 5 = 100, तो इस तरह से सोल्व करता है इसको मैं। सॉरी, इसमें देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इसको भी आपको एक्स मानना पड़ेगा, क्योंकि संख्या का, आप संख्या तो हमने एक्स मानी है ना, तो एक्स का 80% तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4x/5, तो इसको इस तरफ लाना पड़ेगा, एक्स माइनस 4x/5 = 15, तो यहाँ पे क्या हो जाता कि एक्स बाई फाइव इज इक्वल टू कितना हो जाता, 15, ये आपके पास आ जाता। तो इसके बाद में एक्स की वैल्यू आ जाती 75। अब उसके बाद में 75 का हमें क्या निकालना पड़ता, 40% मतलब 2/5। अब इसको 5 से काट लीजिए, ये 15 × 2 ये आ जाता 30। लेकिन मैंने आपको सबसे बेस्ट जो ऑप्शन था वो सबसे पहले ही बता दिया कि आप इस तरह से सोच सकते थे, लेकिन हाँ हो सकता है आपके दिमाग में इस तरह से क्लिक ना करे, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके गाइस, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास में है कि ए मैन हैड ए सर्टेन अमाउंट विद हिम, ही स्पेंट 20% ऑफ दैट टू बाई ए आर्टिकल एंड 5% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, देन ही किप्ट 120 इफ ही इज लेफ्ट रुपीज 1400, द अमाउंट ही स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट इज। देखिए एक व्यक्ति था, उसके पास में कुछ रुपए थे, तो उसका 20% मान लेता हूँ मैं, एक्स मान लेता हूँ जैसे सपोज, वैसे आप कुछ 100 भी मान सकते थे। इसमें क्या होगा कि उसने क्या किया, 20% उसने अपना धन खर्च कर दिया किसी वस्तु के लिए, तो बचा कितना, 80%। उसके बाद बोला कि 20% वस्तु पर खर्च कर देता है शेष धन का, अब देखिए रिमेनिंग 80% है, इसका 5% ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर देता है। ओके, उसके बाद में तथा उसने 120 रुपये उपहार दे दिए और उसके पास 1400 रुपये फिर भी बच गए। तो देखिए अभी इसने 5% इन्वेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे बचा कितना, 95%, ठीक है। अब इस 95% के अंदर ही कौन सा आ गया, 1400 भी आ गया रिमेनिंग, और इसने जो गिफ्ट किया वो भी इसमें से किया था, तो 120 भी आ गया, तो ये कितना आ गया आपके पास में, 1520, ठीक है। तो ये 1520 आ गया। अब हमें बोल रहा है कि वह अमाउंट कितनी है, कौन सी, ये 5%। अब देखिए 95% जो है वो कितना है, 1520 है, तो यहाँ पे आपको पूछा है 5%, लेकिन ये 95% किसका है, इस 80% का। तो हम देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे ही सोल्व कर देता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। मान लेते हैं x अमाउंट थी, x का 80% सिर्फ मैं फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, 4/5, इसका 95%, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 19/20, ठीक है, 5 इससे मैंने काट लिया है, अब 19/20 हो गया, ये आपको वैल्यू कितनी मिल रही है, 1520। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 4 से काट लीजिए, 4 × 5 = 20, 19 से आप इसे काट लीजिए, ये 8 बार चला जाएगा, हाँ 8 बार चला जाएगा। उसके बाद देखिए इसको आपको क्या करना है, 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपके पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000। ओके, अब ये 2000 आपके पास में इसकी वैल्यू आ गई। अब इसका 80%, अब इसका 80% मतलब देखिए 80% 4/5 और इसका 5%, 5% का मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/20। अब देखिए नीचे तो 5 और 20, ये कितना है, 100 है, तो इस 100 से आप इसे काट दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद ऊपर बच रहा है आपके पास में 4 और ये आपके पास में बच रहा है 2, इनकी 20 × 4, ये कितना हो गया, 80, तो ये 5% 80 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। देखिए इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूँ तो आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, वरना इस क्वेश्चन में इतना कुछ है नहीं। देखिए सिंपली आप यहाँ पे सोच सकते हैं, इतना तो देखिए आपको लिखना पड़ेगा, इसमें मैंने बहुत कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे आपको वर्ड ऐसे नहीं लिखना है कि माना ये ऐसे है ये ऐसे है, ये सीधा आपको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में रफली लिखना है बस, तभी आप टाइम बचा पाएंगे। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में टाइम इसलिए लगा थोड़ा सा, एक तो देखिए इसका इतना बड़ा लैंग्वेज है, इसको पढ़ना है फिर उसको माइंड में सेट करना है, तो थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम तो कम से कम लग ही जाएगा इसमें। ओके, बाकी इसको आप और भी एक स्पीड से कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस अच्छी हो तो, ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है आप पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट आपके पास में है कि 31% ऑफ एम्प्लॉयज पे टैक्स इन द ईयर 2008, नॉन टैक्स पेइंग एम्प्लॉयज आर। देखिए सीधा सी इसने क्या बोला है कि 31% पे करते हैं, तो 69% ओबियसली नहीं पे करते होंगे, और 69% की उसने वैल्यू दी है 27,600, तो आपको पूछा है 100% की वैल्यू, तो 100% निकालना है, 1% निकालेंगे 69 से डिवाइड करेंगे, 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही आपके पास में सीधा सा वैल्यू है। अब देखिए तो ये आपके पास में आ गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको 4 से, तो 9 चौक 36 6, और 6 चौक 24 3 27, ठीक है 276 आ गया, तो 4 मतलब ये 4 बार कट गया, तो ऊपर बच गया 400, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना था तो 40,000, ठीक है, तो आंसर आ गया आराम से, कुछ सोचना ही नहीं था, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट देखिए कि 498 इज 70% लेस देन इन नंबर दैन द रिमेन नंबर इज। देखिए एक संख्या का 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है, मतलब इसने डायरेक्टली क्या बोला कि 17% कम करने के बाद, तो 17% अगर आप किसी संख्या का कम कर देंगे तो 83% नहीं बच जाएगा, तो 83% की वैल्यू दे दी है इसने इनडायरेक्टली 498, तो संख्या क्या है 100% की वैल्यू पूछी है ओनली और कुछ नहीं पूछा है, तो 1% की वैल्यू 498/83, 100% की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 8 की 48, तो ये इसका 6 टाइम है, आप चाहें तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 3 18 और 8 6 48 49, ठीक है, तो ये संख्या इससे 6 बार कट जाएगी, मतलब आपके पास में जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये इसकी वैल्यू आई है किसकी, 1 की कितनी है 6 है, तो 100 की कितनी हो जाएगी 600, और इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे गलती से ये 1600 टाइप हो गया है, इसका टेंशन आप मत लीजिए, ये आंसर 600 ही है, ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बाय मिस्टेक है, इसको आप सुधार लीजिएगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ओके हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। देखिए वैसे इससे मेरे को आइडिया ऐसा लग गया क्योंकि इसमें 620 580 610 सारे 600 के आसपास हैं ऑप्शन, और ये क्वेश्चन का आंसर एक्जैक्टली वैसे 600 ही आ रहा है आपके सामने है वो सारी चीज़, तो ये गलती से टाइप हो गया था, ठीक है, ये 1W कहीं प्रेस हो गया, तो ये आंसर इसका, ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है कि गिवन ए इज 50% लार्जर देन सी एंड बी इज 25% लार्जर देन सी, द ए इज व्हाट परसेंट लार्जर देन बी। देखिए यहाँ पे आपके पास ए बी और सी तीन संख्याएं हैं, इसमें क्या बोलता है कि ए जो है सी से 50% अधिक है, 50% फ्रैक्शन ध्यान में आ जाना चाहिए, 1/2 सी से, ठीक है ना, ए अधिक है तो सी कितना है, देखिए नीचे वाली वैल्यू सी होगी और इससे अधिक है ए, तो प्लस 1 करने के बाद में ए आ गया कितना 3, उसके बाद में बोलता है 50% अधिक है और बी सी से 25% अधिक है, ठीक है ना, 25% फ्रैक्शन कितना है 1/4, जो बी है वो सी से, तो सी को हम कितना मानेंगे 4, 25% अधिक है मतलब 4 + 1 5, मतलब बी कितना है 5 है। अब देखिए सी के 2 वैल्यू आए हैं, 1 2 है 1 4 है, इनको सेम करना है, सेम करेंगे मतलब पहले इसको क्या करता हूँ मैं, सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी करना पड़ेगा, अब चाहे इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये कितना आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4, अब ये आ गया, अब बोलता है कि ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, अब देखिए ए क्या है 6 है और बी कितना है 5, बी जो है सॉरी ए जो है वो बी से कितना अधिक है 1 अधिक है, और बी से पूछा है तो बी का यहाँ पे नीचे लिखेंगे 5। अब देखिए वैसे तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1/5 ध्यान में जाना चाहिए 20% परसेंटेज में पूछ रहा है, तो 1/5 20%, वैसे आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते थे, तो ये है डी ऑप्शन, ओके, तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा समझना है, हो सकता है आपको समझ में ना आए हो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि इस फ्रैक्शन मेथड से आपको क्वेश्चंस जो है बहुत ही आसानी से हो जाएंगे अगर आप इसको समझ जाते हैं। अब मैंने 50 से ऊपर क्वेश्चन आपको करवा दिया लगभग, तो हो सकता है आपको ये मेथड अभी समझ में आने लग गया होगा, वैसे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, अगर आप उनको कंटिन्यूसली देख रहे होंगे तो डेफिनेटली आपकी इस कमांड बन गई होगी इस पे। और जो क्वेश्चंस आगे मैं कराऊंगा, बहुत सारी जो अर्थमेटिक के टॉपिक बचे हुए हैं उन सभी में ये चीज यूज होने वाली, तो इसको आप अपने दिमाग में जरूर बैठा लिए अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो। आगे देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 54 की इन ए बैग बिग गार्डन 60% ऑफ द ट्रीज आर कोकोनट ट्रीज 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज आर मैंगोज ट्री एंड 20% ऑफ द नंबर ऑफ मैंगोज ट्रीज आर एप्पल ट्री इफ द नंबर ऑफ एप्पल ट्री इज 1440 देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन। देखिए एक बगीचा है, मैं मान लेता हूँ उसमें जस्ट 1000 है। अब देखिए आप कहेंगे सर 1000 ट्रीज आपने क्यों माने,
आप चाहें तो किसको कुछ और भी मान सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी मेरे को, इसलिए मैं इसको 1000 मान लेता हूँ। अब देखिए, एक बार मैं इस कैलकुलेशन को सोल्व करता हूँ 1000 से, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको मैंने 100 क्यों नहीं माना या इससे ज़्यादा मैंने क्यों नहीं माना, ठीक है। और ये मेरे दिमाग में कैसे आया, तो इस क्वेश्चन को भी देखिए। देखिए, एक बगीचा था, उसमें मैं मान लेता हूँ कि उसमें 1000 पेड़ हैं। इसने बोला कि उसके 60% पेड़ तो कोकोनट ट्रीज़ हैं, नारियल के पेड़ हैं, तो सी मैं मान लेता हूँ कोकोनट ट्रीज़ हैं। इसका मैं 60% निकालूँ तो मेरे को सीधा सीधा दिख गया कि 60% इसका 600 हो जाएगा। अब बचे कितने, 400। उसके बाद में कोकोनट के बाद में उसने बोला कि इसमें आम के यानी कि मैंगो ट्री भी हैं, लेकिन वो मैंगो ट्री क्या है, कोकोनट ट्री के 25% हैं। अब देखिए, इसका 25% निकालना है, 25% देखिए मन में करता है, यहाँ पे लिखेंगे 1/4 फ्रैक्शन 4, ठीक है। 4 से इसे काटेंगे तो 15, 15 × 60 तो 150 आपके पास बच गया, मतलब मैंगो ट्री कितने हैं, 150। उसके बाद इसने बोला कि यहाँ पे जो आम के पेड़ हैं उनकी संख्या का 20% सेब यानी कि एप्पल के ट्री है, तो यहाँ पे इनका 20%। अब देखिए, 150 का 20% निकाल लें, 20% का मेरे दिमाग में फ्रैक्शन आया 1/5, इसको 5 से मैं डिवाइड करूँगी 1/5 से, तो 5 × 5 = 15 यानी कि 30। देखिए, अब मैं अगर यहाँ पे 100 मानता तो यहाँ पे आते 60। अब 60 का मैं यहाँ पे 25% निकालता तब ये 15 तो आ जाता, और उसके बाद में इस 15 का मैं क्या निकालता, मैं निकालता यहाँ पे इसका 20%, तब यहाँ पे ये 3 आ जाता। तो मतलब इन तीनों से आपका 1-1 0 कम हो जाता बस, और इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि अगर आप इसको सिर्फ 100 मानते या 1000 मानते तो इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन कैलकुलेशन आसान हो जाती। देखिए, ये तो सारा फ्रैक्शन ऐसा था कि 100 मानने पे भी आपका सोल हो जाता, और यहाँ पे आपने चाहे 1000 माना तब भी सोल हो जाता। तो 1000 मैंने इसलिए माना कि आपको ये पता चल सके कि आप इस संख्या में कुछ भी माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परसेंटेज उसका जो है सबका सेम होगा। अब इसका रेशियो देखिए कभी चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना, परसेंटेज में एक ही चीज़ है, रेशियो आपका कभी चेंज नहीं होता। अब देखिए, ये चाहे तो आप 1 0 हटा दीजिए या चाहे तो रख लीजिए, चलिए मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे आपको पास में बचा कि बताए इसने कि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है, मतलब 3 थी सेब के पेड़, अब इन 3 के वैल्यू इसने बताई है 1440। अब देखिए, 3 से मैंने काटा तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3 × 12 और उसके बाद में 3 × 8 = 24 और ये 0 यानी कि 480, मतलब 3 की वैल्यू जो है आपके पास 1440, 1 की 480। अब यहाँ पे मुझे चाहिए 100 की वैल्यू, उसने पूछा है कि टोटल बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं, तो मैंने तो माने थे 100, और इसने यहाँ पे रिलेशन कितने का है, 480 का, तो यहाँ पे आपके पास में हो गया 48000, तो ये आपका आंसर आ गया। वैसे आप इसको 30 मानते तब भी कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि 0 से ये 0 करता और यहाँ पे 40 आ जाता था, यहाँ पे क्या था 48, और हमने माना कितना था 100, 1 की वैल्यू 48 तो 1000 की वैल्यू 48000। आंसर कैसे भी करो आएगा, लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे क्या मानना चाहिए। ओके, चाहे तो आप इसको x भी मान सकते थे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन फिर उसमें रेशियो आपको निकालना पड़ता। देखिए, अगर आप x मानते उसके बाद आप क्या करते कि इसका 60% मानते, इसका 60%, ओके, फिर उसके बाद में 60% का ही आपको क्या निकालना पड़ता, 25%, फिर इस 25% का आपको निकालना पड़ता 20%। तो इस तरह से कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो रेशियो, जो फ्रैक्शन मेथड में आपको बताता हूँ, वो आपका थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं ये समझ लीजिए आपको बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूँ कि यहाँ पे कैसा मेथड आपको यूज करना चाहिए था। यहाँ पे आप 100 वाला या 1000 वाला मेथड यूज़ कीजिए ताकि आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाए। अब ये दिमाग में आपके तब आएगा जब एक प्रैक्टिस बन जाएगी आपके क्वेश्चन पे, तब अपने आप दिखेगा आपको कि मैं इसको इस तरह से करूँगा तो बेटर रहेगा। बाकी आंसर सभी तरीके से आएगा, लेकिन इस तरीके से आप एक्स मान के करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर टाइम टेकिंग भी हो जाएगा। मेन जो प्रॉब्लम आज के टाइम में है, क्वेश्चन सभी बना लेते हैं लेकिन उनको ज़्यादा टाइम लगता है, अपने को थोड़ा सा कम लगाना है, इसलिए हम इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास में, देखिए हम सोच रहे हैं कि अभी 60 तक कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इस परसेंटेज टॉपिक पे पुल स्टॉप लगाते हैं और जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं वो भी कर लेंगे। देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 25,000, 1/5 आर फीमेल्स एंड द रेस्ट आर मेल्स, 5% ऑफ मेल्स एंड 40% ऑफ फीमेल्स आर अनएजुकेटेड, व्हाट परसेंटेज ऑन द होल आर एजुकेटेड। देखिए, गांव की जनसंख्या 25,000 है, ठीक है, 25,000 है, इसमें जो है जनसंख्या का 1/5% महिलाएं, 1/5 मतलब 20% महिलाएं हैं, तो आप वो बेसी बात है 80% जो है आपके पास में क्या होंगे, मेन होंगे, ये वुमेन है,
उसके बाद बोलता है कि 5% पुरुष तथा 40% महिलाएं निरक्षर हैं, तो कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं। अब देखिए यहाँ पे 5% हमें निकालना नहीं है, हमें निकालना है यहाँ पे 95%, क्योंकि हमसे पूछा वही है कि शिक्षित या साक्षर कितने हैं। तो इसका 95% मेल का और वुमेन का 40% क्या है, निरक्षर है, तो 60% इसका क्या होगा, पास कैंडिडेट होंगे। ओके, तो अब देखिए इसका 60% निकालना है, तो यहाँ पे टोटल कैंडिडेट कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरे को निकालना है, ये क्या है आपके पास में, 25,000। इस 25,000 का कितना, 20% मतलब इसने वैसे दिया भी है 1/5, और इस 1/5 का कितना, 60%। तो 60% कितना हो जाएगा, 3/5, ठीक है। प्लस ये तो हैं कौन से लोग, जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। अब इनमें से जो 2500 लोग हैं, इन 2500 लोगों में से मेल भी तो होंगे, मेल कितने हैं, 80%, तो मेल हो गए 4/5, और इस 4/5 में ये जो है 19/20, 95% लोग क्या हैं, शिक्षित। तो ये सारे के सारे लोग शिक्षित आ गए। अब देखिए इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि 25,000 तो कॉमन आएगा ही आएगा, उसके अलावा यहाँ पे आप आएँ तो 25 और कॉमन ले लीजिए, तो नीचे मैं 25 और कॉमन ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे तो 5 से 5 कट गया, मतलब 25 बाहर आ गया। अब यहाँ पे बचा कितना, 3 प्लस, अब यहाँ पे 5 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5×4, तो ये 25 तो बाहर गया, नीचे बचा 4, ये 4 से ये 4 कट गया, और यहाँ पे बच गया 19, ठीक है। अब इस 25 से मैंने निकाल दिया यहाँ पे, तो ये कट गया, ये बच गया 1000, और यहाँ पे 19 + 3 ये बच गया 22, ठीक है। तो ये 22 बच गया, और इसके बाद में इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22,000, मतलब 25,000 में से 22,000 लोग शिक्षित हैं। तो हमें प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत निकाल लेंगे हम कैसे, 22,000 / टोटल कितना है, 25,000। वैसे आप इस 3 जीरो से 3 जीरो हटा देंगे तो 22/25, इसको मेरे को क्या बनाना है, परसेंटेज में बनाना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 को 4 से काटेंगे तो 4 बार चला जाएगा 25×100, और 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88, मतलब 88% लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे शिक्षित होंगे। वैसे देखिए एक चीज़ आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत नहीं थी, किसकी, इस 25,000 की। अब इस 25,000 की जगह पे आप चाहें तो आप 100 मान सकते थे, क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में निकालना है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप 100 मानते तो यहाँ पे देखिए ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये सारा कॉमन आ रहा है, इसकी जगह पे आपने मान लीजिए 25,000 की जगह पे 100 माना हमने, ओनली 100, और नीचे हमारा 25 आ रहा था, ठीक है। तो 100 / नीचे 25 था, और इधर आपने जो ऐड किया ये कितना बचता, 22। अब इस 25 से हमें काटते तो 25×4 और 22×88। अब देखिए हमें 100% पे ही बेस मानना था, और आपका 88 आ रहा है, मतलब आप 100% तो कितना है, 100 है, तो 88 कितना हो गया आपका, उसका 88% हो जाएगा। तो ये आंसर भी आप इस तरह से निकाल सकते थे, क्योंकि इसमें जो ये क्वेश्चन जो है, जो आंसर दिया गया है 25,000, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी, नो नीड। ओके, तो क्वेश्चन में कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो हमें दे देता है, और हमें ये इसलिए भी दे देता है कि बंदा इस पे काम करे। देखिए मैंने इसमें काम किया, काफ़ी टाइम वेस्ट किया, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं होती है, फिर भी हम आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन एग्जामिनर कुछ घुमाने के लिए दे देता है। अब देखिए कुछ लोग ये भी सोचने लग जाते हैं कि सर ये क्वेश्चन में दिया है तो मतलब कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर होगा इसका, वैसे ज़रूरी नहीं है कि यूज़ हो, लेकिन हाँ आप यूज़ कर सकते थे आप चाहते तो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपके पास में है कि व्हाट इज़ टू बी एडेड टू 15% ऑफ 160 सो दैट द सम मे बी इक्वल टू 25% ऑफ 240। देखिए 160 है, 160 के 15%, 5 × 15 5×20, इसमें क्या हमने मान लीजिए एक्स ऐड करना था, तो ये कितना हो जाता, 240, 240 का 25%, 25% मतलब 1/4, 4×6 = 24, यानी कि ये 60 हो जाता। अब इसका मैं निकालता तो 0 से 0 = 2, 8, 8×3 = 24, यानी कि 24 + x = 60, तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 60 - 24 यानी कि 36, तो मुझे क्या ऐड करना था, 36। तो कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने में, बहुत ही कम। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोचना है, हो फटाक से कर लेना। आप चाहे तो ये x ना मानते तो भी कोई ज़रूरी नहीं था, आप इधर निकालते, इधर 24 आता, इधर आता 60, ये कहता है कि इस 24 को 60 बनाने के लिए मेरे को कितना ऐड करना है, तो आपको वैसे ही दिमाग में जाता 36। लेकिन ये एक्स इसलिए मान लेते हैं कई जगह पे हम, कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये वैल्यू मैं कैसे मान लेता हूँ,
ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्स नहीं मानता और मैं डायरेक्टली ऐसे बताता तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता आपको, लेकिन आप चाहें तो एक्स मान कैसे कर सकते हैं, ताकि आपको सिर्फ फिर आपका टारगेट क्या होता, एक्स की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो वही चीज़ है जो आपका दिमाग कैसे भी काम कर सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके पास में है कि इन ए कॉलेज 40% ऑफ द स्टूडेंट्स वर अलॉटेड ग्रुप ए। देखिए उसके बाद में एक कॉलेज है, इसमें जो है मान लीजिए एक कॉलेज है, इसमें 40%, चलिए ए तो यहाँ पे ऑप्शन में है तो कुछ एक्स मान लेता हूँ, एक्स कॉलेज में 40% स्टूडेंट को जो है ग्रुप ए दिया गया। उसके बाद में बोल देता है कि 75% ऑफ द रिमेनिंग वर गिवन ग्रुप सी। अब देखिए रिमेनिंग कितना है 60 के 75% को बी ग्रुप दे दिया गया। उसके बाद बोलता है बी ग्रुप द रिमेनिंग 12 स्टूडेंट्स वर गिवन ग्रुप सी। आप देखिए अब कितना बचा, वैसे 25% बचा, इस 25% की वैल्यू इसने दी है 12 है, तो यहाँ पे पूछा है कि टोटल कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया था ग्रुप के लिए। ओके तो यहाँ पे देखिए एक्स माना था हमने उसको, तो एक्स का कितना 60%, अब इसका काम खत्म है, 60% 3/5, इसका भी 25% कितना 1/4, ये कितना दिया है आपको 12 दिया है। आपको आंसर निकालना है, 3 से काट लीजिए, 3 × 12 ये 5 × 20, तो 20 × 4 80, मतलब 80 लोग ऐसे थे जिन्होंने ग्रुप में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पे अप्लाई किया था, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा अगर आप इस तरह से सोच लेते हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉक्स हैज 100 बॉल्स, 50 रेड बॉल्स एंड 50 ब्लैक बॉल्स, 25% ऑफ ब्लू बॉल्स। देखिए मैं लिख लेता हूँ एक बार, यहाँ पे ब्लू है, रेड है और ब्लैक है। ब्लू है 100, रेड है 50, ब्लैक भी 50। इसमें बोलता है 25% ऑफ बॉल्स, ब्लू बॉल्स। अब देखिए इसका 25%, इसका 25% 25 ही हो जाएगा, निकाल लिया जाता है तो निकाल लिया जाता है, तो रिमेनिंग कितने होंगे यहाँ पे, ये इनिशियली ये रिमेनिंग 75। उसके बाद बोलता है 50% ऑफ रेड बॉल, अब रेड का 50% कितना होगा 25, अब इसका 25 निकालेंगे तो बचेगा कितना 25। उसके बाद में बोलता है आर टेकन अवे परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल एट परसेंटेज, अब ब्लैक का कितना प्रतिशत बचा है, ब्लैक को निकाला नहीं है, ब्लैक तो अभी भी 50 ही है, तो टोटल कितना हो गया, देखिए 75 + 25 100 + 50 150, टोटल तो 150 है और ब्लैक कितना है, ब्लैक है आपके पास 50, जिसका रेशियो पूछा है आपके पास, 50 से 0 से 0 काट जाएगा 1/3, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, इनके लगभग 33.33% होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लीजिए, या आप ऑप्शन ऐसे संभाल लीजिए, सी ऑप्शन यहाँ पे 33.13% है आपका, ठीक है। ये टाइप नहीं हो पाया था इस तरह से मेरे से, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया था। ओके तो ये है आंसर आपका 33.13%, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको बस सोचने का तरीका बदलना है मुझे, क्वेश्चन आपको ऑब्वियसली आता है, मुझे पता है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को ये परसेंटेज का ये क्वेश्चन आता है, लेकिन तरीका बदलना है मुझे आपका बस, और कुछ नहीं, ताकि आप इसे कम टाइम में कर पाएँ। और आजकल जो सिलेक्शन हो रहा है वो सिर्फ टाइम बेस पे हो रहा है, कि कितने समय में आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, वैसे तो ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए और कमेंट करके मुझे बताना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और आप ही मुझे ये क्वेश्चन बताइए। तो गाइस परसेंटेज का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट आप नहीं कर रहे हैं, मैं सबसे यही कहूँगा कि जितने लोग देख रहे हैं और जो चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊँ, ठीक है। फिर क्या होता है ना कि एक टीचर आपके लिए अपना 100% देता रहे और उसके बाद उधर से कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं आए, मतलब कुछ कमेंट नहीं है, कुछ लोग अप्रिशिएट ही ना करें, तो फिर अच्छा नहीं लगता एंड काम करने का मन भी नहीं लगता। लेकिन एक चीज़ ऐसा सोचो, कितने लोग आप पे डिपेंड हो और उसके बाद आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाए तो आपको करना ही पड़ता है, ठीक है। लगता है कि यार वो लोग क्या सोच रहे होंगे, फिर थोड़ा सा ऐसा लगता है, फीलिंग से आ जाती है, फिर एक इंटरेस्ट जग जाता है काम करने का। आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों के साथ, शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके बताते रहना कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। आप आंसर ज़रूर दीजिएगा, इन ऑप्शंस को बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर है। जितने ज़्यादा लोग सही आंसर देंगे मुझे पता चल जाएगा कि आप कितने एक्टिव हैं। और लास्ट तक वीडियो देखिए करो यार, देखो मैंने कोशिश की है अभी बड़े बड़े वीडियो बनाने की, तो ऐसा नहीं है कि आप 2 मिनट 2.5 मिनट का वीडियो देख लें, अब इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, मैथ में 2 मिनट में आप क्या सीख के चले जाते हो, ठीक है। तो जो लोग कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो कंटिन्यू वीडियो देखा करो, ठीक है। और गारंटी है आपको यहाँ पे कोर्स में पूरा कराऊंगा, अगर आप अच्छे से सपोर्ट करते रहे तो कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपकी होंगे।
और बाकी जो सेक्शन रागा का, देखिए मेरा जो फोकस है इस चैनल का वो रागा पे है पूरा का पूरा। उसके अलावा नेवी एमआर और एसएसआर में भी जो जिक्के आता है उस पर भी आपका फोकस यहाँ पे मोस्टली आपको मिलता है। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाना और ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन दबाना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। सी यू सून गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।